हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ यानी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है पंजाब पुलिस की तरफ से कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट 2024 की रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, साथ ही साथ मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इसके बारे में जानने के लिए, पोस्ट की डिटेल समझने के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। लेकिन उससे पहले अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम तीनों ही का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स कि पंजाब पुलिस में कॉन्स्टेबल की नई रिक्रूटमेंट आई है। पोस्ट वाइज बात करें तो अच्छी खासी नंबर ऑफ सीट है, मतलब 1746 पोस्ट के लिए वैकेंसी रहने वाली है। दोनों तरह की इसमें वैकेंसी आई है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस यानी कि जो जिला पुलिस होता है उसके लिए भी आया है और आर्म्ड पुलिस के लिए भी आया है। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए आपका 970 सीट है, वहीं पर आर्म्ड पुलिस की बात करें तो 776 है। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगी। आपका ये फॉर्म 14th ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट टू अप्लाई 4 अप्रैल है, मतलब 14 मार्च से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और 4 अप्रैल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने में फी क्या लगता है आइए बता दूं। जनरल कैंडिडेट से 1150 रुपीज फॉर्म का फी थोड़ा सा ज्यादा है, और उसके साथ जो अदर कैंडिडेट है, जो भी SC ST है, EWS है, फीमेल कैंडिडेट, सबसे यहाँ पर 650 रुपीज लिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि एज की लिमिट क्या रहेगी। एट फर्स्ट लेट मी टेल यू कि फ्रॉम विच डेट एज विल बी कैलकुलेटेड। एज ऑन 1st of January 2024, मतलब 1 जनवरी 2024 के अनुसार 18 वर्ष से 28 वर्ष के जो भी कैंडिडेट है सभी एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एज में रिलैक्सेशन का एक रूल बनाया गया, तो वो भी यहाँ पर मिलेगा आपको। OBC को मिल जाएगा 3 इयर्स का और SC ST को 5 इयर्स का। अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, सिंपली जिन्होंने इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से 12th पास कर रखा है, डजंट मैटर कि आर्ट्स है, साइंस है या कॉमर्स है, वो सभी कैंडिडेट्स यहाँ एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं हम लोग। देखिए, ऐसे तो 12th पास इसकी एलिजिबिलिटी है, लेकिन 10th में जिन्होंने पंजाबी लिया है एज अ सब्जेक्ट, वो सब यहाँ पर एलिजिबल होंगे। आगे चर्चा कर लिया जाए कि सिलेक्शन कितने स्टेज से गुजरने के बाद होगा। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल 3 स्टेज सिलेक्शन है आपका। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर ऑनलाइन CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपको, उसको पास करेंगे, देन होगा आपका फिजिकल, जिसमें कि आपका PMT एंड PET होगा, उसके बाद आपका DV होगा, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज पे जो ऑनलाइन CBT होगा एग्जाम, उसका क्या पैटर्न है। फ्रेंड्स देखिए, आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों को कंबाइंड करके आपकी पेपर होगी। चलिए पहले देखिए पेपर 1 का पैटर्न। पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए एंड टाइम विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर 1 होगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि पेपर 1 एंड 2 दोनों में से किसी में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो आपको अगर कोई चीज डाउट है मन में इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि इसको टिक लगाना है कि नहीं लगाना, तो वहां पर आप टिक लगा के एकदम आ सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि विषय वाइज क्या है पेपर 1 में। जनरल अवेयरनेस से आपका 35 क्वेश्चंस होगा, मैथ के 20 क्वेश्चंस है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है, और लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस पंजाबी दोनों का 10-10 क्वेश्चंस रहेगा, तो 20 क्वेश्चंस। फिर डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस से यहाँ पर आपका 5 क्वेश्चंस होगा। सो ओवरऑल पेपर 1 में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। साथ ही साथ आपका पेपर 2 भी होगा। पेपर 2 आपका 1 घंटे का रहेगा, जिसका कि टोटल मार्क्स 50 रहेगा। सब्जेक्ट की बात करें तो पंजाबी लैंग्वेज का आपका ये टेस्ट होगा 50 मार्क्स का, और ये एकदम मैंडेटरी क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसको आपको क्वालिफाई करना ही है, अदरवाइज इसके मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
सो ये तो आपका एग्जाम हो गया। जब एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे देन आपका क्या होगा, सेकेंड स्टेज पे फिजिकल होगा। तो आइए उसकी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहले आपकी हाइट की मेजरमेंट होती है, मेल कैंडिडेट के लिए 5 फीट 7 इंच और फीमेल्स के लिए 5 फीट 2 इंच। रनिंग की बात करें तो 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की रनिंग है मेल कैंडिडेट के लिए, जो कि उनको 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है। फीमेल्स के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है जो उनको 4 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। उसके बाद लॉन्ग जंप होता है, 3 मीटर आपका 3.80 मीटर का होगा मेल कैंडिडेट्स के लिए और 3 मीटर फीमेल्स के लिए रहेगा। हाई जंप की बात करें तो 1.10 मीटर फॉर मेल एंड 0.95 मीटर फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। सो दिस इज योर फिजिकल क्राइटेरिया। जब फिजिकल में पास होगे तो सिंपली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। एज यू ऑल नो कि पंजाब पुलिस के अंदर कांस्टेबल की भर्ती है, तो पंजाब के ही डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आपको सीट अलॉट किया जाएगा, वहीं पे आपको जॉब करना होगा। पहले ही बताया कि एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, एक आर्म्ड फोर्सेस है, तो दोनों में से जिसका कट ऑफ आप पार कर पाओगे, आप जो चूज करोगे वो आपको मिलेगा। और जब आप सर्व करोगे तो सैलरी क्या मिलेगी, चलो मैं बता देती हूँ। आपकी स्टार्टिंग सैलरी है 19,900, मतलब 20,000 से शुरुआत होगी एंड आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस आपकी सैलरी 34,800, मतलब 35,000 के करीब सैलरी पहुंच जाती है। अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स अच्छी खासी है, तो इसके लिए आप अच्छे से वर्क करिए, तैयारी करिए। एंड आई होप कि आज इस पोस्ट के रिगार्डिंग जो कुछ भी डिटेल मैंने बताया आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी आपके मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट करिए, वहां पर आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।